हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है प्रिपरेशन पेपर के लिए? पता ही होगा पेपर आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम कब से हैं स्टार्ट, ठीक है? तो फिर आज इस वीडियो में क्या देखने आ रहे हैं, एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या सरप्राइज़ है जो कि आपको बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम्स में काफ़ी हद तक। क्लियर है? तो करें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट, और करें सरप्राइज़ को रिवील। क्या है हमारा सरप्राइज़ जो आपके लिए लाए हैं? रेडी है तो जल्दी से लग दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेडी है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर देखते हैं क्या सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए टीपी क्लास पर। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब से हैं भाई देख लें पहले CBSE के, भाई कब से हैं पता है नहीं पता है? हम बता देते हैं 26 अप्रैल। क्लियर है? पता ही होगा वैसे तो, मैं कर रहा हूँ मैं। क्लियर? एंड ICSE के 25 अप्रैल। क्लियर? 25th वॉट एवर, बहुत ही कम टाइम रह गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है? बट आप तो यहाँ पर किस लिए आए हैं? ओनली मैथ्स के लिए आए हैं डीपी क्लासेस पर। तो ये मैथ्स के लिए आपके लिए क्या सरप्राइज़ है वो देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम पर बचा हमारे लिए, तो हम सिलेबस तो करेंगे नहीं, सिलेबस सब जितना हो गया है तो कर लिया हमने पूरा अपने उससे। क्लियर है? तो अब क्या चाहिए हमें? रिवीजन चाहिए, जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर है? तो उसके लिए आपके लिए लाए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 डेज़ की सीरीज़ रहेगी 10th एंड 12th के लिए। क्लियर है? तो आइए मैथ्स का पेपर देख लेते हैं, 10th का कब है एंड 12th का कब है। क्लियर है? पूरे देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। CBSE का 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है पेपर एग्ज़ाम, ICSE के 25th से। CBSE का कब है भाई 10th का मैथ का पेपर बताइए? 5 को है, 6 को है, कितने को है जल्दी से? 5 को है ना, 5 में। क्लियर? एंड ICSE का कब है? 2nd में। एंड ऑन द अदर हैंड 12th का हमारा, CBSE का तो काफ़ी लेट है, जून में पहुंच गया भाई ये, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है? कब है ये? 7 जून को। एंड ISC का कब है भाई? 9 मई। क्लियर है? तो काफ़ी टाइम, कम टाइम है 12th को, काफ़ी मीन्स मिल जाएगा CBSE वालों को तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा मैथ के लिए 12th क्लास के। बट 10th को तो अभी काफ़ी टाइम कम रह गया टाइम, 2nd और 5th में हुए मैथ का पेपर, 26 से एग्ज़ाम स्टार्ट है मेनली अप्रॉक्स। क्लियर? 25-26। तो अभी क्या करेंगे, अब लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे एग्ज़ाम के लिए। क्लियर? तो एक सीरीज़ ला रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की। क्लियर? टॉप 100 क्वेश्चंस की क्या ला रहे हैं भाई? सीरीज़ ला रहे हैं जिसका नाम क्या होगा भाई? मैथ्स का महाकुंभ। इस मैथ्स के महाकुंभ में 100 क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम, जो कि पूरे चांसेस रहेंगे मेनली 70-80+90% अप्रॉक्स चांसेस रहेंगे हमारे क्वेश्चंस के आने के। बट भाई हम तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करा सकते हैं, बट फिर जो आए तो आए, बट काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उसको ट्राई करने से। क्लियर है? तो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी मैथ्स का महाकुंभ। अब कब से कब तक रहेगी? 10 डेज़ में रहेगी, और पर्टिकुलर डे ईच डे हम कितने क्वेश्चंस करेंगे? अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन करेंगे, तो 10 डेज़ में 100 हो जाएंगे। हो सकता है कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाए, चलता है भाई, छोटा कम आगे कम ज़्यादा है ना। तो टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे ये, याद रखिएगा। क्लियर है? तो डेट देख लीजिए कब से कब तक ये हमारा रहेगा, 21 से 30 अप्रैल। क्लियर? 10th वालों के लिए भाई 21 से 30 अप्रैल तक रहेगा 10 डेज़ की सीरीज़। टॉप 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। 12th के लिए भाई क्या है, 27 अप्रैल से 6 मई। क्लियर है? 6 मई तक करेंगे 12th के लिए, 21 से 30 तक 10th के लिए। तो इन 10 दिनों में भाई इतने क्वेश्चंस कर लेंगे हम कि आपको लगेगा हाँ ये तो हमें आता है, ये तो आता है, फिर याद आएगी आपको किसकी। क्लियर है? चलिए तो फिर और क्या देखेंगे भाई यहाँ पे, टाइमिंग क्लियर रहे होना चाहिए 10th वालों के लिए भाई, 9 AM ही रहेगा सुबह, अच्छा टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी भी उठ जाएंगे आप, क्लासेस ले पाएंगे। क्लियर है? और 12th के लिए रहेगा 3 PM, तो याद रखिएगा टाइम।
क्लासेज एक्चुअली रिकॉर्डेड ही रहेंगी, लाइव तो रहेंगी नहीं, रिकॉर्डेड रहेंगी। तो कोई डाउट होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा और मैं प्रेजेंट रहूँगा उस टाइम पे चैट सेक्शन में, तो आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। क्लियर, क्लास टेंथ के लिए 9 AM पर रहेगी, 9 से 10, 21 से 30 अप्रैल तक टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज मैथ्स का महाकुंभ। एंड 12th के लिए 3 PM पर रहेगी, 27 अप्रैल से 6 मई, ये भी 10 दिन की सीरीज है। क्लियर, तो उसके बाद ICSE वालों का तो हो जाएगा यहाँ पर, बट काफ़ी टाइम मिलेगा लोगों, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और देख लेंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक आध लेक्चर ले लेंगे CBSE क्लास 12th के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर और ये टॉप 100 क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, ये मैं अभी फिर से कह देता हूँ आपको, काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्ज़ाम में। क्लियर है, एंड ये केवल कहाँ पर होना है, यूट्यूब पर होना है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए, सबसे पहले मिलेगी। क्लियर है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी क्लास मिस ना हो आपसे। क्लियर है, तो ये आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ था, मैथ्स का माकूम टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 21 से 30 क्लास 10th के लिए एंड 27 से 6 में क्लास 12th के लिए। क्लियर, एक और सरप्राइज़ है वो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, तो ये सरप्राइज़ कैसा लगा पहले बताइए, अच्छा लगा है? और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो यहाँ पर कराएंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, तो उनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है, तो फिर स्टार्ट करते हैं 21st से। क्लियर है, तो मिलते हैं 21st को इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो रहेगी हमारी क्लास 10th के लिए जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में बेस्ट रहिए, और एग्ज़ाम में इस बार तोड़ेंगे और फोड़ेंगे, है ना, पूरा एकदम दम से करेंगे और टॉप करके आएंगे। क्लियर है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। और एक सरप्राइज़ और है छोटा सा, वो आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में।